नमस्कार। तो दोस्तों, लोग अक्सर मुझसे पूछते रहते हैं कि भैया हमारे चैनल पर तो व्यूज ही नहीं आता। पहले तो 100-200 व्यूज आता था, मगर पता नहीं अब क्या हो गया, 6-7 व्यूज ही आता है और वीडियो रुक जाता है। पता नहीं क्या मिस्टेक हो गई। तो दोस्तों, अगर ये सब आपके साथ भी हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखना। मैं और लोगों की तरह घुमा फिरा के बात को ज़्यादा बढ़ावा आपको नहीं घुमाऊंगा, ज़्यादा घुमा फिरा के नहीं बताऊंगा, जो भी बताऊंगा क्लियर करके बताऊंगा। और अब तक YouTube से मैंने जो कुछ भी अनुभव किया है वो सारा चीज़ आपको इस वीडियो में बताऊंगा दोस्तों, तो वीडियो में बने रहना। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, व्यूज ना आने का मतलब है जल्दबाजी और लापरवाही। ये दो चीज़ हैं जो लोग हमेशा से करते रहते हैं, एक तो जल्दबाजी और ऊपर से लापरवाही। तो दोस्तों, आजकल क्या है, लोगों को यूट्यूबर बनने का भूसवार है। हर कोई यूट्यूब पर काम करना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है और पैसे कमाना चाहता है, मगर अभी तक आप लोगों को YouTube के बारे में 10% भी नॉलेज नहीं है और बिना जानकारी किए ही अपना चैनल बना लेते हैं। अच्छा, चैनल तो बना लेते हैं लोग, आप लोग, मैं आप लोगों की ही बात कर रहा हूँ, आप लोग चैनल तो बना लेते हैं, मगर आपको पता कैसे चलेगा कि अपने चैनल पर किस प्रकार का वीडियो डालना है, उसका कैटेगरी क्या रखना है, कंटेंट क्या बनाना है अपना वीडियो डालने का, तो उसके बारे में तो आपको कुछ नॉलेज है नहीं। कहीं से, मतलब कहीं से देख के या दूसरे यूट्यूबरों को देख के आपके दिमाग में आ गया कि मैं भी अब चैनल बना के वीडियो डालूं। हर कोई चाहता है, मगर आपको कुछ जानकारी तो लेनी चाहिए। अच्छा, लोग बाग चैनल तो बना लेते हैं और किसी को बता भी शुरुआत में किसी को बताते भी नहीं, क्योंकि कोई आजकल बताना नहीं चाहता। तो लाइट आ गई है दोस्तों, तो हम थोड़े सिस्टम को चालू कर लेते हैं। एक मिनट का वेट करना। हाँ दोस्तों, तो लोग चोरी चुपके अपना चैनल तो बना लेते हैं, लेकिन किसी से जानकारी नहीं लेते, तब किसी को पता ना लग जाए कि हम भी YouTube पर काम करते हैं और वीडियो डालते हैं, क्योंकि शुरुआत में सबको शर्म लगती है और अच्छा नहीं लगता है, पता नहीं हम कैसी वीडियो डालते हैं, कोई क्या कहेगा हमारी वीडियो के बारे में। तो दोस्तों, उसके लिए वो YouTube पर ही सर्च करते हैं और उसी पर अपनी चैनल की जानकारी लेने की कोशिश करते रहते हैं कि अपने चैनल की कैटेगरी क्या रखनी है, किस कंटेंट पर काम करना चाहिए और किस प्रकार का वीडियो डालना चाहिए। ये सारा चीज़ उसी पर सर्च मारते रहते हैं और तरह तरह के यूट्यूबरों से जानकारी लेते रहते हैं। तो अच्छी बात है दोस्तों, जानकारी तो ज़रूरी है, बिना जानकारी के कुछ नहीं है। अच्छा, मैं आपको ये बताता हूँ कि सर्च करने से कुछ नहीं होगा, जो कुछ भी होगा आपकी मर्जी से ही होगा। आपको जिस चीज में इंटरेस्ट है उसी इंटरेस्ट को अपना कंटेंट बनाना है और अपना कंटेंट बना के वीडियो डालना है। किसी से भी पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी दोस्तों, पूछो, पूछना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगा कि अपनी मर्जी से ही सारा कुछ होगा, नॉलेज जरूरी है जो हर किसी को चाहिए, पूछो, लेकिन किसी के कहने पर अपना कंटेंट चेंज नहीं करना है, क्योंकि उसकी सोच अलग है, आपकी अलग है। हो सकता है जो आप वो दूसरा बंदा जो आपको समझा रहा है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से समझाएगा आपको, और आपको जो है अपने मन से काम करना है, आपको जिसमें रुचि है जिस काम में उसी का कंटेंट बनाना है। ऐसा नहीं हमसे जो बंदा कहता है वो हम उस काम को हम भी कर लेते हैं, नहीं दोस्तों, हर काम को सब लोग नहीं कर पाते।
समझ रहे हो, हर किसी व्यक्ति में कोई ना कोई खासियत जरूर होती है, और जो काम को तुम कर सकते हो वो उस काम को कोई और नहीं कर सकता, जो काम को कोई और करता है उस काम को जरूरी नहीं वो तुम भी कर पाओगे। तो दोस्तों इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको, अपनी अपनी मर्जी से ही करना है, अपना खुद का कंटेंट ही बनाना। मैं बार बार कह चुका हूँ, आप उसी कंटेंट पर वीडियो डालो, उसी कंटेंट का ही वीडियो डालना है। हो सके तो दिन में 2 या 3 वीडियो डालते रहो, और हाँ वीडियो एक ही कैटेगरी का होना चाहिए। जैसे आप फनी वीडियो डालते हो, आपको कॉमेडी में रुचि है तो आप उसी से संबंधित वीडियो डालते रहो, वीडियो को बिल्कुल चेंज मत करो। हो सकता है शुरू में आपकी वीडियो पर व्यूज थोड़ा कम आए, 10-15 व्यूज ही आए, तो इसमें टेंशन लेने की जरूरत नहीं दोस्तों। लोग अक्सर क्या करते हैं, चैनल बना लेते हैं, उस पर 2-4 वीडियो डालते हैं, फोन पर व्यूज नहीं आता तो क्या करते हैं, वीडियो ही डालना बंद कर देते हैं। इससे क्या होगा भाई साहब, वीडियो डालना बंद कर दोगे, चैनल की रीच और डाउन हो जाएगी, खत्म, कोई फायदा नहीं है। 2-3 महीने का गैप कर देते हैं, फिर किसी से जानकारी लेते हैं, भैया यार हमारे तो कोई वीडियो चलता नहीं है यार, क्या करना चाहिए। वो फिर अपने दिमाग की बात बताता है कि भाई तू जैसी वीडियो डालता है वो गलत वीडियो डालता है, एक काम कर तू कोई अलग टाइप की वीडियो डाल के देख, हो सकता है उस पर तेरे अच्छे अच्छे व्यूज आने लगे। तो वो उसके कहने पर 2-3 महीने का गैप करके फिर भी वीडियो डालना शुरू कर देता है। उन पर भी उन वीडियो पर भी उसे ज़्यादा फायदा नहीं मिल पाता, वो फिर से चेंज कर देता है। यार ऐसे बात नहीं, तो आगे बात समझ में, अब आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूँ, समझ रहे हो। वीडियो डालते रहो, कंटेंट बदलते रहो, कैटेगरी बदलते रहो, और लोग कहते हैं कि व्यूज नहीं आते। ये सबसे बड़ी समस्या है लोगों के लिए, किसी एक चीज पर तो टिकते नहीं, किसी एक चीज पर तो टिकते नहीं और बात करते हैं बड़ी बड़ी। यार पहले खुद पर तो निर्भर हो यार, पहले खुद को एक जगह बनाओ, एक अपना स्थाई जगह बनो, किसी एक बात पर तो टिको, भर भर के व्यूज आएंगे भाई साहब, मैं झूठ नहीं कह रहा, भर भर के व्यूज आएंगे। अगर आपको मेरी इस बात समझ आ गई, आपको मेरी ये बात समझ में आ गई ना, तो भर भर के व्यूज आएंगे मेरा वीडियो। सबसे पहले आपके चैनल पर जितने भी वीडियो पड़ी हैं उनको प्राइवेट कर दो, सबको प्राइवेट कर दो, और मेरे कहने से शुरू से वीडियो डालना चालू करो, बिल्कुल शुरू से, और एक ही कंटेंट और एक ही कैटेगरी का वीडियो डालना शुरू करो। अगर आप शॉर्ट वीडियो डालते हो तो दिन में 2 या 3 वीडियो डालो, और लॉन्ग वीडियो भी डालो, हफ्ते में रोज नहीं तो हफ्ते में 1 वीडियो डालो, लॉन्ग वीडियो डालो और शॉर्ट वीडियो डालो, तो 2 या 3 वीडियो डालो दिन में। दोस्तों 10 दिन में ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा, मैं गारंटी लेता हूँ 10 दिन के अंदर ही आपको अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। बस इससे ज़्यादा मैं और कुछ नहीं बताऊँगा, नहीं तो आप पागल हो जाओगे, कन्फ्यूज हो जाओगे। क्योंकि लोग अक्सर क्या करते हैं, एक ही मिनट में बहुत सारी जानकारी हासिल करना चाहते हैं, अब वो तो मुमकिन है नहीं। मैं और तरह के यूट्यूबरों की तरह नहीं, जो अनाप शनाप बातें रखते रहते हैं, अपनी वीडियो का लंबा खींचते रहते हैं, और वो क्या करते हैं, लोग बागों के समझ में उनका कुछ नहीं आता, 1-2 चीज़ ही समझ में आती है, बाकी सबको इग्नोर करते हैं, और इसी चीज़ पर वो मार खा जाते हैं। दोस्तों तो मैं ज़्यादा नहीं बताऊँगा, मोटा मोटा जो है मैंने सारा बता दिया है, पहले आप ये करके देखो, आगे की बात बाद में देखते हैं। हम कहीं भागे नहीं जा रहे, आप कहीं भागे नहीं जा रहे। अगर आपको आपके दिमाग में कोई और भी सवाल है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में टाइप करके भेज सकते हैं, मैं उसका आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर देना, और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, ताकि इससे जुड़ी अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।